हिमाचल प्रदेश अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ जिला मंडी के कर्मचारियों ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी मंडी डॉक्टर जीवानंद चौहान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। कर्मचारी अपने प्रदेशाध्यक्ष एनआर ठाकुर से हुए पक्षपात एवं दुर्भाव पूर्ण रवैये से खासे नाराज हैं। कर्मचारियों का कहना है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर सरल व्यक्तित्व के स्वामी, ईमानदार और कर्मचारी हितेशी नेता है। हिमाचल प्रदेश अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ जिला मंडी के कर्मचारी ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी मंडी डॉक्टर जीवानंद चौहान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। कर्मचारी अपने प्रदेशाध्यक्ष एनआर ठाकुर से हुए पक्षपात एवं दुर्भावनापूर्ण रवैये से खासे नाराज हैं। कर्मचारियों का कहना है कि प्रदेश में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर सरल व्यक्तित्व के स्वामी, ईमानदार और कर्मचारी हितेशी नेता है। मुख्यमंत्री प्रदेश के कर्मचारियों से सौहार्दपूर्ण संबंध चाहते हैं, लेकिन कुछ अधिकारियों को सरकार के साथ कर्मचारियों के अच्छे संबंध रास नहीं आ रहे हैं। ऐसे अधिकारी सरकार और कर्मचारियों के बीच खटास पैदा कर रहे हैं। ये अधिकारी आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। कर्मचारियों और सरकार के बीच खाई पैदा करके ये अधिकारी अपना उल्लू सीधा करने की ताक में रहते हैं। जोनल अस्पताल मंडी के गेट के बाहर एक विशाल रैली को संबोधित करते हुए भामस के प्रदेश उपाध्यक्ष एवं मंडी के प्रभारी मोहन ठाकुर, प्रदेश सचिव लता ठाकुर, एनजीओ फेडरेशन के वरिष्ठ उपाध्यक्ष इंदर सिंह ठाकुर, महामंत्री गोपाल झिल्टा, उप प्रधान अरविंद मोदगिल, राजेंद्र भंगालिया, प्रदेश सचिव आयुष गोयल, प्रेस सचिव जय कृष्ण ठाकुर, जिला मंडी के अध्यक्ष चेतराम ठाकुर, वरिष्ठ उपाध्यक्ष रमेश ठाकुर, जिला महामंत्री दिनेश शर्मा, संगठन सचिव उमेश चंदेल, बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कर्मचारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष मिलाप शर्मा व महासचिव सुरेश चंदेल तथा सभी खंड इकाइयों के प्रधान व महामंत्रियों ने कहा कि मंडी के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर जीवानंद चौहान की कार्यप्रणाली संदेह के घेरे में है। उनके व्यवहार के चलते कार्यालय का माहौल अफरा तफरी में बदल गया है। महासंघ ऐसे अधिकारियों की मनमानी और बदले की भावना से की जाने वाली कार्रवाई को कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। ऐसे अधिकारियों की वजह से सरकार की छवि दागदार हो रही है। महासंघ ने डॉक्टर जीवानंद चौहान के कार्यकाल में हुई सारी खरीद फरोख्त की विजिलेंस जांच व कैग के विशेष ऑडिट करने की मांग की है। महासंघ को भरोसा है कि निष्पक्ष जांच होती है तो एक बड़े घोटाले से पर्दाफाश होगा। महासंघ के नेताओं ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर व लोकसभा सांसद रामस्वरूप शर्मा का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उन्होंने एनआर ठाकुर जैसे ईमानदार, कर्मठ और कर्मचारियों की समस्याओं को लेकर हर समय समर्पित कर्मचारी नेता को बिलासपुर से मंडी तबादला करके कर्मचारियों का दिल जीता है। इन नेताओं ने उपायुक्त के माध्यम से मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को ज्ञापन भेजकर डॉक्टर जीवानंद चौहान के खिलाफ जांच मांगी है तथा ऐसे निरकुश और कार्यालय का माहौल बिगाड़ने वाले अधिकारियों पर नकेल कसने का आग्रह किया है। श्री गोपाल झिल्टा जी मेरे साथ खड़े हैं, भारतीय मजदूर संघ के प्रदेश के उपाध्यक्ष श्री मोहन ठाकुर जी हमारे साथ आज के इस जो मुख्यमंत्री महोदय को हमने जिलाधीश मंडी के माध्यम से ये मेमोरेंडम दिया है, उसके बाद आज जो सीएमओ ऑफिस के बाहर एनआर ठाकुर जी को जिस प्रकार से सीएमओ मंडी ने यहाँ से बैक डेट में 3 तारीख की डेट दर्शाते हुए यहाँ से लीव किया, वो हिमाचल प्रदेश अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के मुखिया के साथ एक बहुत गैर जिम्मेदाराना और नियमों के खिलाफ जाते हुए कार्यक्रम किया था। हिमाचल प्रदेश के तमाम कर्मचारियों में इसका गुस्सा था। उस गुस्से का प्रतिकार करते हुए मंडी जिला अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ ने 17 तारीख को डीसी मंडी के माध्यम से मुख्यमंत्री महोदय को भी ये ज्ञापन भेजा था और जीवानंद चौहान जी को कहा था कि वो अपना लिखित वर्जन हमें दें। उन्होंने एक हफ्ता बीतने के बाद भी अपना वर्जन नहीं दिया। इसका मतलब ये है कि वो जानबूझकर या वो नियमों का को ठेंगा दिखाते हुए और एक प्रकार से अपनी धींगा मस्ती करते हुए वो उन्होंने हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों की को ललकारा है। आज हमने ये धरना प्रदर्शन हमारा शांतिपूर्वक तरीके से हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी का हम आभार करते हैं, जिन्होंने जयराम ठाकुर जी ने एनआर ठाकुर जी को विद इन 18 आवर्स बिलासपुर से मंडी वापस लाए और उसके साथ साथ
उन्होंने हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों की जो पीड़ा थी उसको समझा और अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ का मान सम्मान बढ़ाया। हम निवेदन ये करना चाह रहे हैं कि जो संयुक्त सलाहकार समिति की बैठक है वो मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश ने कहा था कि हम जनवरी महीना में इसको करने जा रहे हैं। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, ये मिलते हैं ब्रेक के बाद।